संभल के बहजोई निवासी तीन बच्चे विशाल, श्याम और सुभान अपनी बकरियां चराने के लिए गए थे। तीनों बच्चे जंगल में तालाब नुमा बने एक गहरे गड्ढे के निकट पहुंच गए, जहां विशाल का पैर चिकनी मिट्टी पर पड़ने से फिसल गया और वह गड्ढे में गिर गया। विशाल को पानी में डूबता देख सुभान ने छलांग लगा दी। सुभान ने विशाल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर के बाद दोनों एक साथ डूबने लगे। श्याम ने दोनों साथियों को डूबता देख शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों के शोर शराबे की आवाज सुनकर ग्रामीण तालाब नुमा गड्ढे की ओर दौड़े। सूचना मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बमुश्किल गड्ढे से बच्चों को बाहर निकाला। आनन फानन में बच्चों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विशाल और सुभान की मौत की खबर सुनने के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों बच्चों की मौत की खबर जब गांव पहुंची तो गांव में सन्नाटा पसर गया। उप जिलाधिकारी चंदौसी संदीप वर्मा ने बताया कि गहरे पानी में डूबकर दो बच्चों की मौत हुई है। दोनों के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई कर पीएम को भेजा गया। मौके पर लेखपाल एवं कानूनगो को जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। हमें तो महिलाओं ने बताई है। हाँ हाँ। तो हम भागे यहाँ पे मक्का अपनी छोड़ छोड़ के। कैसे पता चला, क्या बताई थी महिलाओं ने? बच्चे डूब रहे हैं। कैसे निकाला आपने यहाँ? कपड़े बांध के और गांठ लगा कपड़े कपड़ों में, तब गए। आप दो लोग? तो तीन लोग थे आप? एक चला गया। अच्छा, मक्का अपना काम हो गया। जो लड़के आए उन्हें कह रहे बांधती आइयो इन्हें बचाइयो, तो हम इन्हें मक्का बांध को लेके गए। अच्छा, तो कैसे बचाया था आपको, कैसे पता चला गया? कपड़े बांध बांध के निकाले आपने? हाँ, कपड़े बांध बांध के इन बंदों ने निकाले।